हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एससी और मैथ्स चैप्टर 29 के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लियर है? क्वेश्चन है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर। क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? स्टूडेंट, इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं, मतलब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट क्या होता है? ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई ये कोई अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां पर अगर पोटेंशियल भी है तो यहां भी पोटेंशियल भी होगा, यहां भी पोटेंशियल भी होगा। क्लियर है? कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान ले लाइक दिस, अगर ऐसा है, सपोज कीजिए अगर यहां पर पोटेंशियल वी डैश है तो यहां भी पोटेंशियल वी डैश होगा, यहां भी पोटेंशियल वी डैश होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? सपोज कीजिए अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, मींस लाइक दिस। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट? वी। क्लियर है? और ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? वी डैश। तो ध्यान दीजिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, यहां पर तो दो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, वी एंड वी डैश। क्लियर है? जो कि पॉसिबल नहीं है, वी एंड वी डैश जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके हिसाब से यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा भी, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा भी डैश, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल का तो कोई एक वैल्यू होगा, कोई सिंगल वैल्यू होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आंसर के नाम पर आप लिख सकते हैं नो, बिकॉज इन दिस केस at the point of intersection there will be two values of potential which is not possible। clear है? No, नहीं, because in this case at the point of intersection there will be two values of potential which is not possible। Clear question? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, इसके अगर दूसरे मेथड की हम लोग बात करें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, चलिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है, एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए इसको क्लियरली यहां पर लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलरली कट करेगी। मतलब जैसे अगर इस पॉइंट पे बात करें, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर यहां से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलरली, एकदम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, यहां पर इसको परपेंडिकुलरली कट करेगी। यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर बात करें तो बिल्कुल इस तरह से ये वर्टिकल, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इस केस में एकदम यहां पर डायरेक्शन इस तरह से होगा वर्टिकल, सो दैट कि ये इसको परपेंडिकुलरली कट करेगा। क्लियर बात है? ये मान ले सपोज कि ये इस तरह से अगर जा रहा है, यहां पर जो होगा तो यहां पर भी फिर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलरली कट करेगा एवरीवेयर। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कट करता है, सपोज कीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। क्लियर बात है? ध्यान दीजिएगा, चलिए
हर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अपना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कट करेगा, इसको भी परपेंडिकुलरली कट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलरली कट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कट करेंगे, कट करेंगे, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में निकलना चाहिए, सो दैट कि ये इसको परपेंडिकुलरली कट करे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये डायरेक्शन होना चाहिए, क्लियर बात है। और ये जो दूसरा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब कि परपेंडिकुलरली, ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर इस तरह से इसको कट करना चाहिए परपेंडिकुलरली दूसरे वाले को, और पहले वाले को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से। कहने का मतलब है कि जहां पर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो देख सकते हैं कट करेगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि नो, कट तो नहीं करेंगे, बिकॉज इन दिस केस देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर है, इसलिए नहीं कट करेंगे क्योंकि जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, भाई कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।